हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्या कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड की मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। दोस्तों, झारखंड का मतलब है लैंड ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल की धरती। इस राज्य का निर्माण हुआ था साल 2000 में, और इससे पहले ये बिहार राज्य का पार्ट हुआ करता था। ये राज्य 5 दूसरे स्टेट्स के साथ में अपनी सीमाओं को शेयर करता है। इसके नॉर्थ में बिहार है, नॉर्थ वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, वेस्ट में इसके आता है छत्तीसगढ़, साउथ में उड़ीसा और ईस्ट में आता है वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी ज्योग्राफिकल जानकारी झारखंड राज्य के बारे में। और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन झारखंड, टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, टॉप मेडिकल कॉलेजेस झारखंड में कौन कौन से हैं, टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स, और दोस्तों इसके अलावा हम जानेंगे न्यू और अपकमिंग मेडिकल कॉलेजेस इन झारखंड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे रिसर्च के बेस पे है, और यहाँ पे बताई हुई जानकारी मैंने इंडिविजुअल कॉलेज की वेबसाइट, नेशनल मेडिकल कमीशन और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट से लिया है, और कुछ डेटा जो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आप सबसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि झारखंड के किसी भी मेडिकल कॉलेज के बारे में अगर आपके पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी छोटी सी दी हुई जानकारी दूसरे लोगों के लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, और आपकी दी हुई जानकारी से ये वीडियो और भी यूजफुल हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन झारखंड की, तो झारखंड में आज के दिन यानी कि एज ऑन नवंबर 2021 झारखंड हैज 9 मेडिकल कॉलेजेस, जिनमें से 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। इन 2 में से 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अब अगर बात करें झारखंड की टॉप कॉलेज की, तो इसमें नंबर 1 पे आता है रिम्स, यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची। ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था साल 1960 में और प्रोवाइड करता है 180 MBBS सीट्स। कॉलेज अटैच्ड है 1500 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से, और जिसके अंदर सारे एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसमें 100 सीटेड डेंटल कॉलेज भी है। नंबर 2 पे है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है और ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था साल 1961 में, प्रोवाइड करता है 50 MBBS सीट्स। ये कॉलेज झारखंड में नंबर 2 पे आता है। कॉलेज अटैच है 500 प्लस बेडेड हॉस्पिटल से, जो हर तरह की मेडिकल जरूरतों को पूरा करता है। नंबर 3 पे है पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद, जिसका अभी नया नाम है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद। ये तीसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो स्टार्ट हुआ था सन 1971 में और प्रोवाइड करता है 50 मेडिकल सीट्स, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में इसको 100 सीट्स की परमिशन मिल सकती है। साथ ही में ये कॉलेज अटैच है 500 बेडेड हॉस्पिटल से, और 60 एकर लैंड में ये कॉलेज और हॉस्पिटल फैले हुए हैं। झारखंड का 4th बेस्ट मेडिकल कॉलेज है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देवगढ़। ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था साल 2019 में और प्रोवाइड करता है 50 मेडिकल सीट्स। एम्स देवगढ़ इज वन ऑफ द एपेक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, एंड इट इज वन ऑफ द 6 एम्स दैट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन 2019। दोस्तों, एम्स देवगढ़ का जो परमानेंट कैंपस है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और मोस्ट प्रोबेबली फरवरी 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 5 पे है मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं MTMC। दोस्तों, ये झारखंड की फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जो स्टार्ट हुई थी साल 2020 में और प्रोवाइड करता है 150 MBBS सीट्स।
फ्रेंड्स, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज इज अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन टाटा स्टील एंड मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। इट इज अफिलिएटेड टू मणिपाल डीम्ड यूनिवर्सिटी। नंबर 6 पे है फूलो जानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुमका। पहले इस कॉलेज को दुमका मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, एस्टैब्लिश हुई थी साल 2019 में और प्रोवाइड करती है 100 मेडिकल सीट्स। कॉलेज अटैच्ड है 500 बेडेड स्ट्रेंथ वाले हॉस्पिटल से, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल है दुमका डिस्ट्रिक्ट का, और कॉलेज अफिलिएटेड है सिद्धो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी से। और दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 7 की, और ये है न्यूली अप्रूव्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन झारखंड, जिसको नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 100 सीट्स के लिए अप्रूवल दिया है। ये कॉलेज है लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लोकेटेड इन बिश्रामपुर पलामू डिस्ट्रिक्ट, जिसको बनवाया है बिश्रामपुर MLA और फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर श्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने। ये स्टेट की फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और इसमें एडमिशन 2021-22 से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा झारखंड में दो और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो स्टैब्लिश हुई थी साल 2019 में। ये है मेडनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू और शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, और दोनों ही कॉलेजेस को 100-100 सीटों का अप्रूवल मिला हुआ था, लेकिन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से NMC ने इन दोनों ही कॉलेजेस के एडमिशन को रोक दिया था। इसी साल अक्टूबर में NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम ने इन दोनों ही कॉलेजेस का इंस्पेक्शन किया था, और कॉलेज की अथॉरिटीज का कहना है कि NMC की टीम जो थी फैसिलिटीज से सेटिस्फाइड थी, और दोनों ही कॉलेजेस NMC के अप्रूवल का इंतजार कर रही हैं। अगर कॉलेजेस को अप्रूवल मिल जाता है तो इसी साल से कॉलेजेस एडमिशन शुरू कर सकती हैं और झारखंड के स्टूडेंट्स को 200 और एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत पहले फेज में हजारीबाग, पलामू और दुमका में मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण हुआ था। वहीं पे दूसरे फेज में कोडरमा और चाईबासा में मेडिकल कॉलेजेस का शिलान्यास हो चुका है, और तीसरे फेज में खूंटी और गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति मिली हुई है। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि नीट का कट ऑफ क्या रहेगा अगर आप झारखंड के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो, और आप यहां पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ टोटल मेडिकल कॉलेजेस इन झारखंड। तो मैं आशा करती हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।